सुप्रीम कोर्ट ने आज एक ऐतिहासिक फैसले में नागरिकता कानून 1955 के सेक्शन 6A की संवैधानिक वैधता पर मुहर लगा दी, जो 1985 में हुए असम समझौते को मान्यता देती है। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई में सुप्रीम कोर्ट की 5 जो कि बेंच ने 4-1 के बहुमत से यह फैसला दिया है। सेक्शन 6A असम समझौते के तहत जोड़ा गया था, जिसे याचिकाकर्ताओं ने पक्षपातपूर्ण, मनमाना और गैर कानूनी बताया था। फैसले के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नागरिकता कानून 1955 का सेक्शन 6A पूरी तरीके से वैधानिक है। इसके मुताबिक जो भी लोग 1 जनवरी 1966 से या उसके बाद से 25 मार्च 1971 तक बांग्लादेश से असम आए, नागरिकता के वो हकदार होंगे और नागरिकता के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकेंगे। कोर्ट ने बहुमत से कहा कि इस मामले में असम को बाकी राज्यों से अलग देखना बिल्कुल ठीक है, क्योंकि असम की बड़ी सीमा बांग्लादेश से मिलती है और वहाँ स्थानीय आबादी में अप्रवासियों का प्रतिशत बाकी सीमांत राज्यों से ज्यादा है। बहुमत के आदेश में कहा गया कि 25 मार्च 1971 की कट ऑफ डेट सही है, क्योंकि उसी दिन पाकिस्तान ने पूर्वी पाकिस्तान में बांग्लादेश में चल रहे आंदोलन के खिलाफ ऑपरेशन सर्च लाइट शुरू किया था। चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि असम समझौता अवैध अप्रवास के मामले का राजनीतिक समाधान था, जबकि सेक्शन 6 से उसका विधायी समाधान। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अवैध अप्रवास के मुद्दे से जुड़े कानूनों पर सख्ती से अमल किया जाना चाहिए और अप्रवास और नागरिकता से जुड़े कानूनों के अमल की न्यायिक देखरेख होनी चाहिए। आपको बता दें कि नागरिकता कानून में सेक्शन 6A का प्रावधान 1985 में असम में आंदोलन कर रहे संगठनों और केंद्र सरकार के बीच हुए असम समझौते के बाद शामिल किया गया था। असम से कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने कहा कि वह सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हैं। गौरव गोगोई ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, मैं असम समझौते के समर्थन के माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करता हूं। असम समझौता ऐतिहासिक था, जिससे असम में कई सालों के राजनीतिक आंदोलन के बाद शांति आई। उस दौर में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी राजनीतिक मतभेदों के बावजूद छात्र नेताओं से बात करते थे। आज का माहौल अलग है, बीजेपी उन्हें देश विरोधी और खालिस्तानी बताती है। जैसे मणिपुर की तरह प्रधानमंत्री मोदी जताते हैं कि राज्य अस्तित्व में है ही नहीं। उधर बीजेपी ने भी फैसले का स्वागत किया है। लीगल तरीके से घुसपैठी आसाम में आते हैं, उनको रोकने की दिशा में जो पहला कांग्रेस की सरकार के समय में कानून बना था, आज कोर्ट ने उसको सही पाया है। अतः जो आसाम में बड़ी संख्या में इलीगल इमिग्रेंट्स आए हैं, उनके संबंध में इस निर्णय से कार्रवाई पर प्रभावी असर पड़ेगा और जो लोग सिर्फ वोट बैंक की पॉलिटिक्स करते हैं उनको भी समझना पड़ेगा। आज कांग्रेसी भी भूल गए हैं उस कानून को जो राजीव गांधी के समय उनकी सरकार ने लाया था, तो आज कोर्ट ने उसको सही पाया है। हम इसका बहुत स्वागत करते हैं और जो आसाम में बड़ी संख्या में घुसपैठी आ रहे हैं उन वहां कार्रवाई करने में इससे बहुत मदद मिलेगी। और इस पूरे मामले पर ज्यादा जानकारी के लिए आसान भाषा में समझने के लिए हमारे साथ अब जुड़ रहे हैं संविधान के जानकार प्रोफेसर फैजान मुस्तफा साहब। प्रोफेसर साहब शुक्रिया, धन्यवाद वक्त निकालने के लिए। आज का जो फैसला है सुप्रीम कोर्ट का, उसका क्या महत्व है? देखिए, बहुत महत्वपूर्ण जजमेंट है, ऐतिहासिक जजमेंट है। इस जजमेंट के पॉलिटिकल और राजनीतिक और संवैधानिक प्रभाव आने वाले जजमेंट्स पे पड़ेंगे। जैसे मैं आपको बता दूं कि इस जजमेंट में जो पेटिशनर्स थे वो ये कह रहे थे कि आसाम में नागरिकता तय की जाए उस डेट पर जिसके बिना पूरे देश में की जाती है, और वो फिर डेट होती 19 जुलाई 1948। आज की डेट में ये डेट है 25 मार्च 1971, जिस दिन बांग्लादेश बना है। और ये एक जो पूरा लिटिगेशन हुआ है वो लिटिगेशन से वहां पर राजनीतिक दल को फायदा हुआ है, सरकारें बनी हैं। तो ये जो एक प्यूरा व्यू है
कि करोड़ों की तादाद में बांग्लादेशी आसाम में आ गए हैं। चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने वो नंबर जो पेटिशनर्स ने खुद दिए हैं उसको कोट किया है कि आसाम में 40 लाख बांग्लादेशी हैं, वेस्ट बंगाल में 57 लाख, मेघालय में 30,000 और त्रिपुरा में 3,25,000। तो जितना बड़ा नंबर कहा जा रहा है उतना बड़ा है नहीं। और आपको मालूम है कि जब एनआरसी हुई तो 40 लाख भी नंबर नहीं निकला, नंबर 19 लाख था और उसमें अच्छा खासा बड़ा नंबर मुसलमानों का नहीं था बल्कि हिंदुओं का था। और इसीलिए एनआरसी होने के बाद भी आज तक न किसी को नागरिकता का प्रमाण पत्र मिला और न किसी को एनआरसी में शामिल न होने पर फॉरेनर होने का नोटिस मिला। मैं समझता हूं कि संवैधानिक रूप पर यह जजमेंट बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि इस जजमेंट के बाद यह साफ हो गया है कि सीएए अपहोल्ड किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर से कह दिया है कि हम ये नहीं देखना चाहेंगे अगर चंद लोगों को लॉ फायदा पहुंचा रहा है तो वो औरों को क्यों नहीं फायदा पहुंचा रहा। सीए के बारे में आपको मालूम है कि एक बड़ा आर्गुमेंट ये लिया जा रहा था कि सिर्फ पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में जो अल्पसंख्यक हैं शोषित उनको नागरिकता दी जा रही है और देशों में जो परसिक्यूटेड और प्रताड़ित अल्पसंख्यक हैं उनको ये नागरिकता नहीं दी जा रही। सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर से कह दिया है कि कोई लॉ अंडर इंक्लूजन करता है या ओवर इंक्लूजन करता है वो उस लॉ की संवैधानिकता तय करने में नहीं देखा जाएगा। मैं समझता हूं इस जजमेंट के बाद बिल्कुल साफ हो गया है कि सीएए 2019 जो है उसको अपहोल्ड करेगी सुप्रीम कोर्ट। एनआरसी का भी जिक्र जस्टिस चंद्रचूड़ ने अपने जजमेंट में किया है और उन्होंने भी उस प्रोसेस के बारे में कुछ खास नहीं कहा लेकिन ये लिख दिया है कि इस प्रोसेस में भी लोगों को एक्सक्लूजन करने का प्रावधान था। मैं समझता हूं कि बड़ा ऐतिहासिक जजमेंट है उन लोगों के लिए जो कह रहे थे कि वहां करोड़ों लोग आ गए हैं और आसाम में नागरिकता 1971 के बजाय 1948 की कट ऑफ डेट पर हो, उनको एक झटका लगा है। और जो ये समझते थे कि सीएए में सुप्रीम कोर्ट सख्त फैसला कर उसे असंवैधानिक घोषित करेगा उनको भी एक झटका लगा है क्योंकि उसके असंवैधानिक घोषित करने की संभावना है कम हो गई। प्रधान साहब, दूसरे सवाल के तौर पर मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि इस फैसले का एनआरसी और सीएए पर क्या असर होता दिखता है? देखिए, सीएए पर रूल्स लोकसभा इलेक्शन 2024 शुरू होने से पहले बनाए गए, वो कि देर में बनाए गए, 5 साल पहले बन जाते तो और बेहतर था लेकिन अब वो रूल बन गए हैं। ये अलग बात है कि अभी किसी ने पूछा कि इस रूल्स के तहत कितनों को नागरिकता मिली, गो के पूरी प्रोसेस डिजिटल है लेकिन कोई आंकड़े नहीं प्रोवाइड किए गए राइट टू इंफॉर्मेशन के तहत। मैं समझता हूं जैसे मैंने अभी अपने पिछले उत्तर में कहा कि सीएए पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला सरकार के हक में आएगा। एनआरसी के सिलसिले में जो जिक्र इस जजमेंट में है उसमें एनआरसी का कोई विरोध नहीं किया गया है लेकिन साफ तौर से लिखा गया है कि यह एनआरसी असम के बारे में थी। तो मैं ये समझता हूं कि अगर सरकार एनआरसी करना चाहेगी तो अदालत उसको एनआरसी करने से नहीं रोकेगी लेकिन उस एनआरसी करने के बाद क्या होगा तो ये आप देख रहे हैं कि असम में भी हम उन सारे लोगों को जिनके नाम एनआरसी में नहीं आए उनको हमने 4 साल हो चुके हैं, तकरीबन 5 साल हो रहे हैं, उनको नोटिस नहीं दिया है और जिनके नाम एनआरसी के अंदर आ गए हैं उनको नागरिकता नहीं दी है। तो एनआरसी जब भी होगी पूरे देश में उसमें बहुत बड़ी संख्या देशवासियों की होगी जिसमें हिंदूज भी शामिल होंगे जिनका नाम नहीं होगा क्योंकि हमारे देश में डॉक्यूमेंटेशन बहुत ही खराब है और बहुत लोगों के पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स नहीं होंगे। जैसा आपको मालूम है कि कागज दिखाने की बात, तो वो कागज बहुत लोग नहीं दिखा पाएंगे।
अगला सवाल जो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि क्या बांग्लादेश से लोगों की घुसपैठ को किसी विदेशी देश की आक्रामकता कहा जा सकता है? जो सोनोवाल का जजमेंट था उसमें ये कह दिया था कि जो इतनी बड़ी तादाद में घुसपैठिए उधर से आ रहे हैं वो देश के लिए खतरा हैं, और ये केंद्र सरकार की ड्यूटी है कि वो राज्य को सुरक्षित करे किसी विदेशी हमले से। सुप्रीम कोर्ट के आज के जजमेंट ने इस बात को रिजेक्ट कर दिया है और उन्होंने कहा है कि आर्टिकल 355 में जो देश पर हमले का की ड्यूटी केंद्र सरकार की है उसका मतलब ये नहीं है कि किसी संसद के पारित कानून को उसकी संवैधानिकता इस बिना पर उसे चुनौती दी जाए कि केंद्र ने उस ड्यूटी को पूरा नहीं किया। और ज्यादा बड़ी बात जो मैं समझता हूं ऐतिहासिक है आज के जजमेंट की, क्योंकि पूरा केस ये बनाया गया था कि बांग्लादेशी क्योंकि बंगला बोलते हैं तो आसाम की जो संस्कृति है उसके अधिकार का हनन हो रहा है अनुच्छेद 29 में। आपको मालूम है कि आसाम की समस्या हिंदू मुस्लिम समस्या नहीं है, ये इथनिक समस्या है। इसलिए जो आसाम गण परिषद है उसको CAA पर एतराज है और वो चाहते हैं कि ये डेट 1971 से 2014 तक ना बढ़ाई जाए, इसलिए आसाम में CAA का विरोध हुआ था। वो कहते हैं हमें कोई भी बंगाली स्पीकिंग नहीं चाहिए, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो। तो आज सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर से कर दिया है और कह दिया है कि किसी भी समाज में उसकी संस्कृति के अधिकार का हनन इस बात से नहीं होता कि उस समाज में उस संस्कृति के अलावा दूसरी संस्कृति को मानने वाले, दूसरी भाषा को मानने वाले रहते हैं। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि जो फ्रटर्निटी और बंधुत्व का हमारे संविधान के प्रस्तावना में आइडिया है उसका मतलब है कि देश के नागरिक इंटरकनेक्टेड हो जाएं, एक दूसरे के साथ रहें, और बंगाली प्रेजेंस से या बांग्लादेशियों की प्रेजेंस से आसाम की संस्कृति को कोई खतरा है, ये बात पेटिशनर्स सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने माना साबित करने में नाकाम रहे हैं। विधान साहब, असम और देश के बाकी हिस्सों में नागरिकता के लिए दो अलग अलग कट ऑफ डेट क्यों बनी? ऐसा प्रावधान क्यों किया गया? ये इस केस का सबसे बड़ा मुद्दा था। इस केस की पूरी बुनियाद इस बात पे रखी थी कि एक देश में नागरिकता के दो कट ऑफ डेट क्यों हैं? चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने साफ तौर से लिखा है कि देश का संविधान जब बन भी रहा था तब भी ये अंतर लोगों को मालूम था संविधान सभा में, और उन्होंने गोपाला स्वामी अयंगर का कोट किया है जिन्होंने बताया खुद संविधान सभा को कि जो पूरब का बॉर्डर है आसाम की तरफ का, वहां ज्योग्राफी जो है वो बड़ी डिफरेंट टाइप की है, लोग अपने डेली कामों के लिए इधर से उधर आते जाते हैं, चाहे वो आसाम आए चाहे बंगाल आए। और उन्होंने कहा कि अगर हम इसमें कोई कट ऑफ डेट बना देते तो उससे आम नागरिकों को और आम लोगों को बड़ी तकलीफ होती। तो ये ज्यादा बात ज्योग्राफी की है और कोर्ट ने उसको अब लीगल माना कि ये मुमकिन है कि एक देश में एक हिस्से के लिए सिटीजनशिप के कोई लोग वेस्ट पाकिस्तान से आ रहे हैं तो उनके लिए डेट संविधान ने डिटरमिन कर दी 19 जुलाई 1948, और दूसरी साइड में कोई डेट डिटरमिन नहीं की, और जब संसद को मौका मिला तो संसद ने वो डेट डिटरमिन कर दी कि अगर आप पहली जनवरी 1966 तक आसाम में आ गए आप भारत के नागरिक माने जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा, जस्टिस सूर्यकांत ने बहुत अच्छा जजमेंट लिखा है फ्रटर्निटी पे, उनका जो डिस्कशन है वो मैं समझता हूं कि सुप्रीम कोर्ट के इतिहास का फ्रटर्निटी पे वन ऑफ द बेस्ट जजमेंट माना जाएगा। उन्होंने लिखा कि देखिए जो इलेक्टोरल रोल बने थे
वो 1/1/1966 को बने थे, इसलिए ये कट ऑफ डेट रीजनेबल है और रैशनल है कि जो लोग आ गए 1/1/1966 तक वो भारत के नागरिक माने जाएंगे, और 1/1/66 से लेकर 24 मार्च 1971 तक, 25 मार्च को आप देखिए बांग्लादेश बन रहा है, जो लोग अगर भारत में आ गए हैं उनको रजिस्टर करना होगा अपने को, और अगर वो रजिस्टर करेंगे तो उनको सारे अधिकार होंगे लेकिन वोट देने का अधिकार 10 साल बाद मिलेगा। और जो 25 मार्च 1971 को बांग्लादेश बनने के बाद आसाम में एंटर हुए हैं, आसाम समझौते के हिसाब से, सेक्शन 6A के हिसाब से, सरकार की ड्यूटी है कि उन्हें डिटेक्ट करे, उनके नाम डिलीट करे और उनको डिपोर्ट करे। तो ये दो कट ऑफ डेट्स जो हैं संवैधानिक मानी हैं सुप्रीम कोर्ट ने, जी और इनका रीजन ज्योग्राफी को बताया है, और बताया है कि संसद को यह अधिकार है कि वो इस तरह की दो डेट्स अलग-अलग क्षेत्रों के लिए प्रोवाइड कर सकता है। तो 25 मार्च 1971 के बाद जो लोग हिंदुस्तान पर आए अब बांग्लादेश से, वो भारत के नागरिक नहीं बन सकते, उनको वापस ढूंढकर वापस भेजने का काम सरकार को करना होगा। शुक्रिया फैजान साहब हमसे बात करने के लिए, बड़े आसान तरीके से इस महत्वपूर्ण फैसले को समझाने के लिए।